Hey guys, good morning. I welcome you all to Examshala. My name is Swetan Gupta and I'm your educator. So, एक वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं. अब से आपको वीकली वीडियो भी मिलेगा जिसमें हम पिछले एक हफ्ते में आए हुए सबसे उत्कृष्ट MCQ को डिस्कस करेंगे. इसके अलावा उसके बैकग्राउंड को भी डिस्कस करेंगे. इन वीडियोज में मैं सिर्फ 25 क्वेश्चन लूंगा, लेकिन अगर आप पूरे वीडियो को देखोगे तो आपके पूरे एक हफ्ते में जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी वो भी कवर हो जाएगी, और क्वेश्चंस की बात कर लूँ तो लगभग 40 से 50 होंगी. ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. और अगर इस वीडियो की आपको PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है आपका एग्जामशाला बैंक SSC. ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. और इस वीडियो में सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेज को डिस्कस करेंगे. तो इम्पोर्टेंट डेज की बात कर लेते हैं. तो सबसे पहले आपके सामने आ गया 1st December. और 1st December को क्या होता है? 1st December को होता है वर्ल्ड्स एड्स डे. ठीक है, अब ये वर्ल्ड्स एड्स डे सबसे पहली चीज तो सेलिब्रेट कब से किया जा रहा है इसकी बात करें तो वर्ल्ड्स एड्स डे सबसे पहले 1988 में सेलिब्रेट किया गया था. तो इसको कह सकते हैं कि 1988 से ये सेलिब्रेट किया जा रहा है. अब सेलिब्रेट करने का मतलब यहाँ पे अवेयरनेस फैलाने से होता है. अच्छा, अगर इसकी थीम की बात करें 2019 की थीम क्या है, तो इसकी थीम है एंडिंग द HIV/AIDS एपिडेमिक कम्युनिटी बाई कम्युनिटी. ओके, तो ये याद रखिएगा. इसके अलावा अकॉर्डिंग टू UNAIDS द थीम ऑफ दिस ईयर इज कम्युनिटीज मेक्स द डिफरेंस. ठीक है, तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा. तो जो UNAIDS है उसके हिसाब से थीम क्या है, वो है कम्युनिटी मेक्स द डिफरेंस. और इसके अलावा जो एक थीम और है वो है एंडिंग द HIV/AIDS एपिडेमिक कम्युनिटी बाई कम्युनिटी. ये याद रखिएगा. चलिए, जब हम 2nd December की बात करें तो 2nd December को दो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं. पहला होता है नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे और दूसरा होता है इंटरनेशनल डे फॉर एबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी. अब ये नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे क्या है, तो बेसिकली अवेयरनेस फैलाना अबाउट पॉल्यूशन एंड इट्स हजार्डुअस इफेक्ट, मतलब जो उसके बहुत ही खतरनाक पहलू हैं उनके बारे में बताना. अच्छा, अब ये किसकी मेमोरी में सेलिब्रेट किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है. तो आपको याद होगा भोपाल गैस त्रासदी हुई थी. ठीक है, उस त्रासदी में बहुत ज्यादा लोगों की जाने गई थी, उसकी मेमोरी में इसको सेलिब्रेट किया जाता है. अच्छा, मुझे आप बताएंगे कि जो भोपाल गैस त्रासदी थी उस त्रासदी में कौन सी गैस जो हुई थी वो लीक हुई थी, कमेंट सेक्शन में इसे जरूर बताइए. इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डे है वो है एबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी. ये क्यों मनाया जाता है, तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि लगभग पूरे दुनिया में 40 मिलियंस पीपल हैं जो मॉडर्न स्लेवरी के शिकार हैं. हो क्या रहा है उनके साथ, उनको थ्रेट्स मिल रहे हैं, वायलेंस हो रहा है उनके खिलाफ, कोर्जन हो रहा है, पावर का मिसयूज हो रहा है, या मिसयूज बोले तो अब्यूज हो रहा है उसके खिलाफ अवेयरनेस रखने के लिए. बात समझ में आ गई, तो यहाँ पे जो उनके ह्यूमन राइट्स हैं वो छीने जा रहे हैं, ज्यादा काम कराया जा रहा है या पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हो. जब 3rd December की बात है तो 3rd December को आपको वर्ल्ड डे ऑफ द हैंडीकैप्ड मनाया जाता है. अब ये क्या है, सो देखिए जो हैंडीकैप्ड पीपल हैं, जो हैंडीकैप्ड पीपल हैं उनके लिए, ठीक है, जैसे कि मान लो कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है, कोई मेंटली हैंडीकैप्ड है, तो उनकी उनको आप एक्सेप्टेंस दो, उनकी परेशानियों को समझो, उनकी डिसेबिलिटी को समझो, जब बल्कि उनका मजाक ना उड़ाओ. इनकी थीम की बात करी जाए तो थीम है प्रमोटिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड देयर लीडरशिप. ठीक है, और ये जो आपका एजेंडा है ना, ये एजेंडा 2030 तक चलेगा. तो इस बात को जरूर याद रखिएगा, बिकॉज क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो वर्ल्ड डे ऑफ हैंडीकैप्ड है उसका एजेंडा कब तक डिसाइड किया गया है. ठीक है, चलिए हम 4th December में आते हैं. और 4th December है इंडियन नेवी डे. अब इंडियन नेवी डे 4 December को मनाया जाता है, और इसमें बेसिकली बात करी जाती है नेवी के रोल की, इनके अचीवमेंट्स की, और जो डिफिकल्टीज हमारी नेवीज फेस करती हैं उनके बारे में. फिर 5th December की बात करें तो इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे होता है. अब ये इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, और इसकी जो थीम है वो है वॉलेंटियर फॉर एन इंक्लूसिव फ्यूचर. ठीक है, बात समझ में आ गई. चलिए फिर हम 5th December की बात करते हैं, तो 5th December को वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है. अच्छा, बात आ जाती है कि भाई ये डेज क्यों सेलिब्रेट किए जाते हैं. देखिए अवेयरनेस तो जरूरी है, जैसे अगर मैं वर्ल्ड सॉइल डे की ही बात कर लूं तो भाई देखिए, अब जो फसल है वो फसल मिट्टी से ही तो आएगी ना. मान लीजिए वो मिट्टी कंटेमिनेटेड है, प्रदूषित है, तो चांसेस है ना कि फ्यूचर में जाके उससे जो फसल हो वो भी आपको रोगग्रस्त कर दे. क्लियर हुई बात, तो ये याद रखिएगा. तो 5 December को वर्ल्ड सॉइल डे भी मनाया जाता है, याद रहेगी. चलिए, यहाँ पे बेसिकली अवेयरनेस फैलाई जाती है इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल, हेल्दी इकोसिस्टम एंड ह्यूमन वेलबींग की.
फिर हम 7 दिसंबर की बात करें तो 7 दिसंबर को आपका आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे होता है। ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, मुझे अच्छे से याद है जब हम विद्या मंदिर में पढ़ते थे तो हर साल स्टिकर्स आते थे और उनसे कुछ कंट्रीब्यूशन लिया जाता था। बाद में हमको पता चला कि उसमें क्या होता था कि जो हमारे मार्टियर हैं, जो शहीद हुए हैं लोग, उनके लिए फंड पब्लिकली कलेक्ट किया जाता है उनके ऑनर में। ठीक है कि हमारा भी एक फर्ज है कि हम उनको कुछ दें। वहां पे ऐसा पैसे नहीं मांगते, 5-10 रुपए लिए जाते थे, अभी का थोड़ा अमाउंट ज्यादा हो सकता है, लोग अपने हिसाब से भी दे सकते हैं। 7 दिसंबर की बात करें तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे होता है, ठीक है, 7 दिसंबर को, और ये वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट किया जाता है अबाउट रेजिंग अवेयरनेस। इसमें क्या होता है, इसमें सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी देश की होती है उसके बारे में बात करी जाती है, और वो किस बारे में है, वो है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट। तो ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट डेज, अभी जो आपके 1 दिसंबर टू 7 दिसंबर थे। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे जरूर लाइक करिए। चलिए हम आगे आते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन, और इसमें खेलो इंडिया की बात कर रहे हैं, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कौन कर रहा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, असम स्टेट गवर्नमेंट, और ऑल ऑफ द अबव। आंसर देने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आपके सामने जब भी क्वेश्चन आए तो उस क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट करिए, जितना से ज्यादा आपको पता हो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि जब आप किसी चीज को लिख देते हैं तो आपको वो चीज काफी समय तक याद रहती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो चलिए इसका सही जवाब बताइए क्या होगा, इसका सही जवाब मैं बता देता हूँ, इसका सही जवाब है आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। तो SGFI, IOA और असम स्टेट गवर्नमेंट, ये तीनों मिलकर के खेलो इंडिया 2020 ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये आपके 10 जनवरी से स्टार्ट होंगे, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे बेसिकली स्कूल गेम्स को थोड़ा प्रमोट किया जाता है, इसमें स्कॉलरशिप वगैरह भी मिलती है जो लोग टॉप करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि खेलो इंडिया का लास्ट एडिशन किसने जीता था, ठीक है, और ये कौन से नंबर का एडिशन है, जो आपका 2020 हो रहा है ये किस नंबर का एडिशन है, कमेंट सेक्शन में इसे अटेम्प्ट करिए और बताइए। और ये 30 to 40 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन ये 40 मिनट के बाद आपकी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज कवर हो जाएंगी और उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स होंगे, स्टैटिक डेटा होगा, वो भी कवर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो जरूर दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए हम अगले क्वेश्चन में आते हैं। वेयर वॉज द 22nd सेशन ऑफ जनरल असेंबली ऑफ स्टेट पार्टीज टू द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन हेल्ड, तो ये कहाँ पे हुआ है। तो देखिए, जिसका सही जवाब जो है वो है आपका पेरिस में, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जनरल असेंबली ऑफ स्टेट की बात करी जाए जो सेलिब्रेट हुआ है, वो वर्ल्ड हेरिटेज कॉन्वेंशन, वो आपका पेरिस में हुआ है। क्लियर हो गया। अच्छा, ये 22nd सेशन है, कभी कभी हो सकता है कि 22nd सेशन करके जगह लेटेस्ट सेशन बोल दे, तो इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, अब इसमें कोई मेंबर आया है जो नया है, तो इसमें थाईलैंड का नाम आता है। तो थाईलैंड हैज बीन इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, ठीक है, और ये 22nd एडिशन में ही इनको सेलेक्ट किया गया है। अच्छा, अब इसमें टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज कितनी है या इनके रिप्रेजेंटेटिव्स कितने हैं, तो देखिए अब इनके रिप्रेजेंटेटिव की अगर बात करें वो है 193। हो गई बात। तो चलिए अब थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, और आपके सामने रहा ये थर्ड क्वेश्चन। Who won the best actor female award at the 50th International Film Festival of India? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, अंजलि पाटिल, उषा जाधव, नदेजदा मार्किना एंड अनास्त्रासिया पुस्तोवित। तो इसका सही जवाब है आपका बी, उषा जाधव। तो उषा जाधव को बेस्ट एक्टर फीमेल अवार्ड मिला है। और कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते हैं कि आपके 50th इंटरनेशनल को गायब कर देंगे और आपसे पूछेंगे ये कौन सा एडिशन था, IFFI का 49th एडिशन किसने जीता, ऐसे भी क्वेश्चन आने सकते हैं। तो इनको भी आप जरूर लिखिए, और नहीं लिखना तो एटलीस्ट इनके बारे में जान के जरूर रखिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाएंगे बिकॉज एक ये रिविजन वीडियो है। और फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, वेयर डिड द इंडियन नेवी टेस्ट फायर द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, तो ये कहाँ पे इन्होंने किया। 4 ऑप्शन है आपके, ओडिशा कोस्ट, अरेबियन सी, चेन्नई कोस्ट और मुंबई कोस्ट। तो इसका सही जवाब है आपका अरेबियन सी। अच्छा, इसकी मारक क्षमता कितनी है, तो इसकी जो मारक क्षमता की बात करी जाए या टेस्ट फायर की बात करी जाए तो ये है 290 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज की, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसके बारे में इतना हो गया। अच्छा, इसके रिलेटेड और भी कोई टर्म्स होगी तो डेफिनेटली मैं आपको इसके बारे में अवेयर करूंगा, लेकिन अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं।
चलिए हम अगले क्वेश्चन में आते हैं, और ये रहा आपके सामने पांचवा क्वेश्चन। हु रिलीज द 2019 एमिशन गैप रिपोर्ट? तो 2019 का या 2019 का उत्सर्जन गैप रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ग्लोबल पॉल्यूशन बोर्ड, या एशियल ग्लोबल वार्मिंग मॉनिटर। देखिए मैं आपके सामने चार ऑप्शन जो बोल रहा हूँ ना, आप मानिए या ना मानिए, लेकिन अगर आप ऑप्शंस को भी साइज से पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं याद रहता है कि ऐसा कुछ हमने पढ़ा था, तो हमारा रटने वाली जो चीज होती है ना वो थोड़ी सी कम हो जाती है। इसके अलावा उनके बारे में भी थोड़ी बहुत क्यूरियोसिटी जगती है कि चलो इसके बारे में भी जान लें, और जिसके पास अवेयरनेस है उसी का सिलेक्शन है। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका सही जवाब है यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो 2019 की जो एमिशन गैप रिपोर्ट है वो आपकी यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, उसने दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली बात क्या करी जा रही है, तो ये जो रिपोर्ट है वो बताती है कि जो करंट क्लाइमेट है कमिटमेंट है आर मेट, द वर्ल्ड इज एन ऑफ कोर्स टू एक्सीड 3 डिग्री सेल्सियस इन ग्लोबल टेम्परेचर राइज, एंड द रिपोर्ट असेस द एमिशन गैप। ओके, तो बेसिकली आप पता ही होगा कि जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसकी वजह से ग्लोबली टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में इसने स्टेटमेंट दिया है। चलिए हम आगे आते हैं, और आज का छठवां क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, और इस क्वेश्चन को देखते हैं। विच मिनिस्ट्री अवार्डेड द फर्स्ट एवर वातावरण 2019 शॉर्ट फिल्म कॉम्पिटिशन? तो 2019 का वातावरण लघु फिल्म प्रतियोगिता से किस मंत्रालय ने सम्मानित किया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये याद रखिएगा, और ये जो हुई थी ये आपकी हुई थी न्यू दिल्ली में। ठीक है, और इसके जो ऑर्गेनाइजर हैं उसके ऑर्गेनाइजर का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसको MoEFCC से भी जानते हैं। और इसके अलावा एक और भी है, वो है सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज। ठीक है, तो दो लोगों ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया। मैं दोबारा बता देता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए हम आगे आते हैं, और सातवां क्वेश्चन आपके सामने रहा, और आप भी अटेम्प्ट करिए, अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में उसे आप बता भी सकते हैं। सातवां क्वेश्चन रहा, हु इज अपॉइंटेड एज न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट CGA विद इफेक्ट फ्रॉम 1 दिसंबर 2019? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है सोमा राय बुर्मन। ठीक है, इन्हें बर्मन भी आप बोल सकते हो, बुर्मन भी बोल सकते हो, डिपेंड करता है आप कहाँ पे रहते हैं। तो सोमा राय बर्मन जी को बनाया गया है ये 1 दिसंबर 2019 से। अच्छा, ये कौन से नंबर की हैं? तो याद रखिएगा, ये नंबर वगैरह पूछ लिया जाता है, अभी हो सकता है डेट ना पूछे या नाम ना पूछे, या नाम दे दे तो पूछ ले कौन से नंबर पे हैं। तो ये 24th CGA ऑफ इंडिया है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ पे और भी बन सकता है कि ये कौन से नंबर की महिला है? तो ये 7वें नंबर की महिला है, इस बात को भी थोड़ा सा आप याद रखिएगा। शी इज द 7th वुमेन टू होल्ड दिस पोजिशन। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 8वां रहा आपके सामने। वेयर इज 2019 एक्सरसाइज मित्र शक्ति हेल्ड? ठीक है, तो 2019 की मित्र शक्ति कहाँ पे हुई है? चलिए इससे रिलेटेड मैं आपको काफी कुछ बताऊंगा, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। इसका सही जवाब है वो है आपका पुणे। ठीक है, तो द 7th एडिशन ऑफ मित्र शक्ति 2019 वॉज हेल्ड इन पुणे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसके अलावा ये किन देशों के बीच में होती है? तो सर जी ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है। क्लियर है? अच्छा, इसका एम क्या है? तो सर इस एक्सरसाइज का एम है टू इनहेंस द इंटर ऑपरेशनबिलिटी एंड ऑपरेशनल इफिशियंसी बिटवीन इंडियन आर्मी एंड श्रीलंकन आर्मी। ठीक है ना, तो ऑपरेशंस को लेकर के है उसमें, और ज्यादातर जो आपकी एक्सरसाइजेस होती हैं ना वो टेररिज्म को लेकर के है। कई बार आपका ये भी होता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के भी करी जाती है कि आप एक दूसरे का सपोर्ट कर पाए अगर ऐसी सिचुएशन होती है, और ये इंटरनेशनल रिलेशन बनाने में भी काफी ज्यादा मदद करती है कि कभी ऐसी कोई आपदा आ जाए तो पड़ोसी मुल्क से आप क्वेश्चन पूछ पाए, या सॉरी क्वेश्चन नहीं, पड़ोसी मुल्क से आप मदद ले पाए। चलिए हम आगे आते हैं, तो क्वेश्चन है आपके सामने, हु वन 2019 अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स? 2019 का अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो सबसे ज्यादा नाम भी इन्हीं का चलता है, और नाम है इनका लुइस हैमिल्टन। ठीक
ठीक है, तो ये ब्रिटेन के हैं, ब्रिटेन के ड्राइवर हैं। इन्होंने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2019 जीता है, याद रखिएगा। ओके, अब इनके करियर की ये 84वीं विक्ट्री है, बहुत बड़ा नाम है। अगर 2017-18 की बात करी जाए तो कोई भी रेस हो रही थी तो हैमिल्टन जी का ही नाम आ रहा था, और 2019 में इनकी 11वीं जीत है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। तो द अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स इज अ फॉर्मूला वन मोटर रेस एंड द रेस वॉज हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 1 नवंबर 2019। तो याद रखिएगा, पहली बार कब हुई थी? ये पहली बार हुई थी 1 नवंबर 2019 को हुई थी। ओके, चलिए ये बात हो गई। अच्छा, आप, मैं एक छोटी सी बात पूछता हूँ। ये मैंने एग्जामशाला के टेलीग्राम पे, फेसबुक पे क्वेश्चन अपडेट भी किया था मई जून पे। तो ये जो एम वेस्टैपेन है, ये कहाँ के खिलाड़ी हैं और इन्होंने जून जुलाई के आसपास कोई सी रेस जीती थी? मैं चाहूंगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कौन सी रेस जीती थी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है एग्जाम। बात समझ में आ गई? तो चलिए आप, मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे अटेम्प्ट करेंगे। हम 10वें क्वेश्चन में आते हैं, और ये रहा आपके सामने 10वां क्वेश्चन। एक्सरसाइज हैंड इन हैंड 2019 इज द विच एडिशन ऑफ इंडियन चाइना ज्वाइंट ट्रेनिंग इज हेल्ड अंडर द यूनाइटेड नेशन मैंडेट। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, इसका सही जवाब जो है वो है आपका 8th, ठीक है। क्या है 8th? याद रखिएगा, ये 8th एडिशन है। इसके अलावा ये कहाँ हुई है? तो ये हुई है आपकी उमरोई में। उमरोई कहाँ पड़ता है सर जी? ये पड़ता है आपका मेघालय में, ठीक है। अब ये कब से कब तक होगी? तो ये 7 दिसंबर को शुरुआत हुई थी इसकी, और ये आपकी 20 दिसंबर 2019 तक चलेगी। ओके, ये जो ज्वाइंट ट्रेनिंग है ये आपकी यूनाइटेड नेशन मैंडेट के अंडर होती है। अंडर मतलब इसके मैंडेट जो इनका साइन हुआ है उसके अंतर्गत होती है। बात समझ में आ गई? तो 8th एडिशन है, 7 दिसंबर से 20 दिसंबर तक चलेगी। एक्सरसाइज का नाम है हैंड इन हैंड। कहाँ हुई है? उमरोई में हुई है। उमरोई कहाँ है? वो है आपका मेघालय में। इतनी इंफॉर्मेशन हो गई। इसके अलावा थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, इसके बारे में कुछ और बैकग्राउंड भी जान लेते हैं। इसका जो पिछला एडिशन हुआ था, या मैं बात करूं 7th एडिशन जो था, वो आपका हुआ था चेंगड़ू में, ठीक है, और हुआ था दिसंबर 2018 में। अच्छा, अब इनका फोकस एरिया क्या होता है? अगर इस तरीके की एक्सरसाइज हो रही है तो इनका फोकस एरिया क्या होगा? तो बेसिकली इनका जो फोकस एरिया होता है वो होता है कि आप इस्टेब्लिशमेंट करें ज्वाइंट कमांड पोस्ट का, इनकी ज्वाइंट कॉम्बैट ड्रिल हो, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट हो, मतलब अगर मान लीजिए कोई भटक वटक जाता है तो आप उन्हें पहुंचा दो, और डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस में भी, जैसे भी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, तो डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन में भी इनका साथ रहे, मतलब एक दूसरे की मदद कर पाए। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रहेगी वो है आपकी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, ठीक है ना, तो टेररिज्म को काउंटर करने में। इतनी बातें इसके लिए याद रखिए, बहुत है, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। चलिए हम आगे आते हैं, और 11वां क्वेश्चन आपके सामने रहा ये। हु टुक चार्ज एज द कमांडर इन चीफ ऑफ अंडमान एंड निकोबार कमांड, ठीक है। सो अंडमान निकोबार कमांडर इन चीफ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो इसका सही जवाब बताइए, तो इसका सही जवाब है बी, लेफ्टिनेंट जनरल पोदाली शंकर राजेश्वर, ठीक है। ये मैंने अभी आपका जो रेगुलर वीडियोस चलते हैं उसमें भी इस क्वेश्चन को दिया था, तो याद रखिएगा किसने लिया है? पोदाली शंकर राजेश्वर जी ने लिया है। कब से शुरू हो गया इनका? 1 दिसंबर 2019 से हो गया। अब ये कौन से नंबर के हैं? तो सर जी ये 14th नंबर के हैं, याद रहेगा। चलिए, इतनी इंफॉर्मेशन इसके लिए सफिशियंट रहेगी। चलिए हम आगे आते हैं, और 12वां क्वेश्चन आपके सामने रहा। वेयर इज द 2019 साउथ एशियन गेम्स नोन एज SAG हेल्ड? तो 2019 के दक्षिण एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए हैं या किए जाते गए हैं? तो न्यू दिल्ली इंडिया, बीजिंग चाइना, काठमांडू नेपाल, और इस्तांबुल पाकिस्तान। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? तो देखिए, इसका सही जवाब है आपका काठमांडू नेपाल, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट है विच वॉज इनॉगरेटेड बाई प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल विद्या देवी भंडारी, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल का नाम क्या है? वो है विद्या देवी भंडारी। देखिए, मैंने आपको बताया भी था कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो मैं काफी सारे क्वेश्चंस कवर कर लूंगा, और जो आपको अपकमिंग एग्जाम्स में मदद भी करेगा, क्लियर है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। चलिए हम 13th क्वेश्चन में आते हैं, और ये रहा 13th क्वेश्चन। विच स्टेट हैज मैंडेट हेलमेट फॉर पिलियन राइडर्स? देखो, कभी कंफ्यूज कर सकते हो पिलियन राइडर से, स्पेशली अगर आप हिंदी मीडियम से आते हैं या स्टेट बोर्ड से आते हैं। देखिए, पिलियन राइडर कौन होता है?
मान लियो एक बाइक है और आप बाइक चला रहे हो और आपके पीछे भी जो बैठा है उसको पिलियन राइडर बोलते हैं। तो यहाँ पे बात आई है कि आपको तो हेलमेट लगाना ही है, पीछे वाले को भी हेलमेट लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो पिलियन राइडर को जानना जरूरी था, तो मैंने आपको बता दिया। अब ऑप्शन आपके सामने चार आ गए, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका और केरला। तो इसका सही जवाब है केरला। तो केरला स्टेट गवर्नमेंट ने ये इम्प्लीमेंट कर दिया है और बेसिकली वहां के हाई कोर्ट ने डायरेक्टिव्स दिए थे कि आपको हेलमेट मैंडेटरी कर देना चाहिए पिलियन राइडर्स को भी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, पिलियन राइडर कौन होते हैं हमने जान लिया, और ये किसने मैंडेट किया है, वो आपके केरला ने किया है, और सही भी है। देखिए जब से इतना ज्यादा फाइन लगने लगा है ना, तो यहाँ पे हम गुजरात में भी देख सकते हैं काफी ज्यादा अवेयरनेस आ गई है। और रिसेंटली भी मैं दिल्ली गया था, और आज से 4-5 साल पहले, 3 साल पहले जब मैं वहां पढ़ाई कर रहा था, तब मैंने देखा था कि इतनी ज्यादा नहीं थी, और आज के समय पे लोग 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रहे। तो ये बहुत जरूरी है, कभी अब बनाऊंगा इसके ऊपर वीडियो, कितना नुकसान होता है, कितने परसेंट हमारा लग जाता है जो टोटल रिवेन्यू आता है सिर्फ एक्सीडेंट्स पे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 14th क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट नेवल वुमेन पायलट इन इंडिया। तो भारत में पहली नौसेना महिला पायलट कौन बनी है, तो इनका नाम है सब ल्यूटेंट शिवांगी, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इन्होंने ज्वाइन भी कर लिया है ऑपरेशनल ड्यूटीज को, और किया कहाँ पे, वो किया है कोची नवल बेस में। कब किया है, 2 दिसंबर 2019 को। इसके अलावा शिवांगी रिसीव द क्वालिफिकेशन विंग फ्रॉम एडमिरल AK चावला, तो सॉरी वाइस एडमिरल है वो, हमारे एडमिरल नहीं। तो वाइस एडमिरल कौन है, तो सर जी वाइस एडमिरल इंडियन नेवी के हैं AK चावला, और ये चीफ भी हैं ऑफ द साउथ सदर्न नवल कमांड, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई। चलिए आगे आते हैं और हम 15th क्वेश्चन में आते हैं। मैं हर क्वेश्चन में आपको 30-40 सेकेंड्स ही दे रहा हूँ, बट आई गेस दैट इज सफिशियंट। आगे आते हैं, 15th क्वेश्चन रहा आपके सामने। हैज पार्टनर विद इंडिया फॉर बायलेटरल प्रोजेक्ट टू कन्वर्ट एग्रीकल्चर वेस्ट टू कोल, बेसिकली किस देश ने किया है, कौन पार्टनर बना है। तो किस देश ने कृषि अपशिष्ट को जैव कोयला में बदलने के लिए एक द्विपक्षीय परियोजना के लिए भारत के साथ साझेदारी करी है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, नीदरलैंड, चाइना, स्वीडन और जर्मनी। थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ, तब तक आप इसके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो एन इंडियन स्वीडन हाई लेवल डायलॉग ऑन इनोवेशन पॉलिसी वॉज हेल्ड इन 2019, ठीक है ना। तो अभी एक हाई लेवल मीटिंग हुई इंडियन स्वीडन की, कहाँ पे हुई, न्यू दिल्ली में, एक इनोवेशन पॉलिसी पे। और इस मीटिंग में बायलेटरल प्रोजेक्ट की बात करी गई, जहाँ पे कन्वर्ट किया जाएगा एग्रीकल्चर वेस्ट को बायोकोल में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड हो गया, ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन भी हो गया। तो जो जो प्रोजेक्ट है वो इस्टेब्लिश किया गया है बाय द सपोर्ट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नर एट द नेशनल एग्री फूड टेक्नोलॉजी NAPI, और ये कहाँ पे है, ये मोहाली में है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है आपको, क्या नेशनल एग्रीकल्चर बायो सॉरी नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, इसको नाभी नाम से भी जानते हैं, आपका मोहाली में, ठीक है। तो अब इसका सही जवाब तक आप समझ गए होंगे, इसका सही जवाब है आपका स्वीडन, ठीक है। अच्छा अब इससे पार्टनरशिप में कौन है, तो वो है आपका बायो इंदेव। इतनी इन्फॉर्मेशन सही है और इससे ज़्यादा जानने की जरूरत भी नहीं है। चलिए हम 16th में आते हैं, और ये रहा आपके सामने 16th क्वेश्चन। काफ़ी ज़्यादा था, मैंने जब उसको रेगुलर वीडियो बनाया था जिसमें मैंने महिला का नाम पूछा था, और आज मैं आपसे दूसरा पूछूंगा। हु वन द 2019 बैलन डी ओर अवार्ड एज अ वर्ल्ड बेस्ट मेल प्लेयर। तो ऑफकोर्स दो को इनाम सबसे ज़्यादा चलते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनल मेसी, और इनका नाम है लियोनल मेसी। तो लियोनल मेसी को मिला है, और यहाँ पे इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बनाया, इनको 6th टाइम ये अवार्ड मिला है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि फीमेल का नाम क्या है, वो कौन सी फीमेल बेस्ट प्लेयर हैं जिनको आपका बैलन डी ओर अवार्ड मिला हुआ है। कमेंट सेक्शन में इसको अटेम्प्ट करिए। तब तक हम 17th क्वेश्चन पे आते हैं और 17th क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। When was the regional connectivity scheme launched? तो regional connectivity scheme जो है वो 2017 में हुई थी, ठीक है। अच्छा ये है क्या बेसिकली, तो यहाँ पे बात ये करी गई थी, एक विजन है गवर्नमेंट का टू ऑपरेशनलाइज ओवर 100 एयरपोर्ट इन स्मॉलर टाउन एंड सिटी ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर। तो मतलब कनेक्टिविटी रखी जाए, 100 एयरपोर्ट्स की बात भी करी गई वहाँ पे अगले 5 सालों में, तो छोटे छोटे शहरों को भी जोड़ा जाए उड़ान के माध्यम से। आपने पढ़ा होगा, मैं उड़ान के माध्यम से नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा एयर ट्रांसपोर्ट वहाँ पे डेवलप किया जाए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम भी चलाई थी उड़ान,
पूरे देश का आम नागरिक। हम 18वें क्वेश्चन में आते हैं और ये रहा हमारे सामने 18वां क्वेश्चन। व्हेन इंट्रोड्यूस इन जनवरी 2019 द सिटीजनशिप बिल 2019 वाज, तो ये 2019 में किया गया था। वाज, इसका सही जवाब क्या होगा? वाज पास्ड इन लोकसभा, ठीक है, तो इसका बी सही होगा। इसके बारे में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ, आपको एक क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 है ये, और इसको अभी पास कर दिया गया है, लेकिन अभी ये क्लियर कहना क्लियर होना बाकी है राज्यसभा से, ठीक है। तो पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो देखिए, यूनियन कैबिनेट जो उसको हेड कर रहे हैं मोदी जी, ने सिटीजन अमेंडमेंट बिल को लाया था, अभी 4 दिसंबर को ही लाए थे ये। और इससे होगा क्या, इसमें होगा कि जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से हैं और वो 31 दिसंबर 2014 के पहले आ चुके हैं, उनको सिटीजनशिप दी जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। इसमें एक छोटी सी बात और है कि इसमें ना आपका कौन सा बिल किया गया है, तो ये बिल अमेंड किया गया है सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है। कौन सा? सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया भी था हमारे रेगुलर वीडियोस में, तो इतनी सफिशियंट रहेगी। बाकी की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं जहाँ पे मैंने इसको पूरा कवर अप किया था। चलिए, अब हम आगे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा 19वां क्वेश्चन। विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू सेल द यमुना रिवर, कौन सा स्टेट है जिसने डिसाइड किया है कि यमुना रिवर का पानी वो सेल करेगा। इसमें कुछ करोड़ रुपए का बात भी है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब है वो है आपका बी, तो हिमाचल प्रदेश ने डिसाइड किया है कि वह अपना पानी बेचेंगे। किसे बेचेंगे? बेचेंगे वो महाराष्ट्र को, ठीक है। तो थोड़े न्यूज को देख लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश स्टेट कैबिनेट अप्रूव द साइन अप्रूव टू साइन द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू सेल द वाटर ऑफ यमुना फ्रॉम महाराष्ट्र शेयर एट ताजेवाड़ा कॉरिडोर, ठीक है। तो वो महाराष्ट्र का शेयर है, महाराष्ट्र को बेचेंगे नहीं, वो महाराष्ट्र के शेयर से करेंगे, और कहाँ से? ताजेवाड़ा कॉरिडोर से, ठीक है। अच्छा, ये जो मीटिंग है, ये जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी, इसको चेयर किसने किया था? वो किया था चीफ मिनिस्टर ने, जयराम ठाकुर नाम है इनका, ठीक है। चलिए, और इसकी जो बेसिकली लागत रखी गई है, वो रखी गई है लगभग 21 करोड़ रुपए के आसपास लेंगे लोग जो चार्ज करेंगे। आज का 20 क्वेश्चन, उसके बाद से 5 क्वेश्चन और बचेंगे और हमारा वीकली करंट अफेयर वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो इंडिया रैंक इन द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट बिजनेस टू कंज्यूमर B2C ई कॉमर्स इंडेक्स 2019, तो बताइए इसमें कौन सा नंबर है? तो सर जी, इंडिया का नंबर है इसमें 73। अच्छा, इसमें टॉप किसने किया है? इसमें टॉप करने वाली कंट्री का नाम है नीदरलैंड, ठीक है, और ये लगातार दूसरे साल इन्होंने जीता है। इसमें टोटल कंट्रीज कितनी है? इसमें टोटल कंट्रीज है 152। क्लियर हो गई बात? अच्छा, ई कॉमर्स इंडेक्स जो है वो किस बेसिस पे बनाई गई है? वो बेसिस ये है कि यहाँ पे देखा जाएगा कि कितने ज्यादा लोग ई कॉमर्स पे आ चुके हैं, कितने वो शॉपिंग कर रहे हैं, इन बातों को रखा गया था, ठीक है। चलिए, इसी के साथ आते हैं हम 21वें क्वेश्चन में। वीडियो में ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि आपका वीडियो जो होगा वो ज्यादा से ज्यादा 30-40 मिनट का ही होगा। तो वेयर इज द स्टार्टअप इंडिया ग्लोबल वेंचर कैपिटल समिट हेल्ड, तो ये जो आपकी स्टार्टअप इंडिया समिट है वो कहाँ पे हुई है? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। तो थोड़ी बातें बता दूं, तब तक आप कमेंट सेक्शन में इसे अटेम्प्ट करिए। और जो सेकेंड एडिशन है इसका, ठीक है, और स्टार्टअप इंडिया ग्लोबल वेंचर का, और ये आपकी हुई कब? ये 6 से 7 दिसंबर हुई, मतलब ये अभी कल और परसों हुई थी, ठीक है। अच्छा, कहाँ से कहाँ पे हुई है? तो सर जी, ये गोवा में हुई है। बात समझ में आ गई? चलिए, अब हम आगे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और ये रहा हमारा 22वां क्वेश्चन। वेयर वॉज द ईट राइट इंडिया इनिशिएटिव स्टार्टेड बाई FSSAI, ठीक है। तो वेन वॉज, कब ये शुरुआत करी गई थी? तो अभी तो कुछ बातें बता देता हूँ भाई। तो जो मुंबई का एक स्टेशन है उसको इसमें मिला है, तो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को इसमें कह सकते हैं सर्टिफाइड भी किया गया है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसे सर्टिफाइड किया है। तो FSSAI की फुल फॉर्म क्या है? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने सर्टिफाइड किया है। अच्छा, ये शुरुआत कब हुई है इसकी, ये जानने वाली बात है। तो सर जी, ये जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2018 में।
इसके अंतर्गत ये लोग स्टेशन को रेटिंग देते हैं कि वहां पे कैसा खाना मिल रहा है, हाइजीनिक है कि नहीं, सब पुराना खाना तो नहीं मिल रहा, बासी खाना तो नहीं मिल रहा, इन सारी चीजों को इसमें वो डिस्कस करते हैं या कहेंगे स्टैंडर्ड बना के रखते हैं। चलिए 23rd में आते हैं, और 23rd आपके सामने रहा, विच स्टेट इज टू मर्ज कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन स्कीम विद द सेंट्रल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ठीक है, तो वह कौन सा राज्य है बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। और इसके से मैं आपके क्वेश्चन और पूछता हूँ, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, कौन सा राज्य मनाता है और कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है, कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताइए। और इसके अलावा एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछूंगा कि नागालैंड स्टेट गवर्नमेंट ने हनी बी डे भी मनाया है, ये कौन सी डेट को मनाया है। ठीक है, मैंने आपके दो क्वेश्चन पूछे, पहला हॉर्नबिल फेस्टिवल, दूसरा नागालैंड स्टेट गवर्नमेंट ने हनी बी डे घोषित किया हुआ है या वो सेलिब्रेट करते हैं, वो कौन से डे में होता है। दोनों क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिए कमेंट सेक्शन में, और इसका जो सही जवाब है मैं बता देता हूँ। तो 23 क्वेश्चन जिसमें आपकी कृषक असिस्टेंस फॉर लेवलीहुड इनकम ऑगमेंटेशन या इसे कालिया स्कीम भी बोलें, ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से इसको मर्ज किया गया है, तो इसका सही जवाब है ओडिशा। ठीक है ना, ओडिशा ने किया, और क्यों किया है, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट, मतलब पैसा फंड की कमी हो गई है तभी तो करेंगे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, 24th सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, आई होप यू ऑल आर लाइकिंग दिस वीडियो। 24th का है, वेयर विल द एक्सरसाइज इंदिरा 2019 बी हेल्ड। देखिए मैंने आपकी तीसरी एक्सरसाइज इस वीडियो में कवर अप करी है, तो एक्सरसाइज 2019 इज अ ज्वाइंट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड रशिया। द एक्सरसाइज विल बी कंडक्टेड इन इंडिया फ्रॉम 10th इन इंडिया फ्रॉम 10th दिसंबर टू 19 दिसंबर, एंड इट विल बी होल्ड साइमल्टेनियसली एट बबीना पुणे एंड गोवा। ठीक है, कहाँ पे, बबीना पुणे एंड गोवा, तो ये तीनों जगह पे होगा, तो इसका मतलब इसका सही जवाब हो गया ऑल ऑफ द अबव। अच्छा, ये जो आपकी एक्सरसाइज है इंदिरा 2019 फर्स्ट टाइम कब हुई थी, तो ये फर्स्ट टाइम आपकी हुई थी 2003 में। ठीक है, एंड फर्स्ट ज्वाइंट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है जो, ये हुई थी 2017 में। हो गई बात। अच्छा, ये इंडिया और रशिया नेवी के बीच में होती है। और इसी के साथ हम इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन में आते हैं, विच बैंक लॉन्च द माई हेल्थ वुमेन सुरक्षा पॉलिसी, और इसका सही जवाब है HDFC। और इसको थोड़ा और बोलूं तो HDFC इर्गो इन्होंने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, ये क्यों किया है, दिस पॉलिसी हैज बीन डिजाइन टू कवर वुमेन अगेंस्ट न्यूमेरस इलनेस कंटिजेंसी दे मे फेस ड्यूरिंग दियर लाइफ टाइम। ठीक है ना, तो जिस तरह की वो बीमारी वगैरह अगर फेस करती हैं उससे रिलेटेड। तो इसी के साथ वीडियो होता है खत्म, और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और वो होगा कल सवेरे लॉन्च। हैव अ नाइस डे।